दोस्तों सबसे पहले तो अपने स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। जी हाँ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कृति सैनन कटआउट ड्रेस में सुपर डुपर हॉट लग रही हैं। आपको बता दें कि उनका ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल कृति सैनन इन दिनों अपनी फिल्म शहजादा को लेकर के काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में फिल्म को प्रमोट करने के लिए वो रियलिटी शोज में भी नजर आ रही है। ऐसे में उनका एक वीडियो अब जब वायरल हो रहा है। बता दें कि इस वीडियो में कृति सैनन ने ब्लू कलर का थाई हाई स्लिट गाउन कैरी कर रखा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने इस कटआउट गाउन के साथ में सटल मेकअप के साथ और इयररिंग के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया है। इसी के साथ उन्होंने अपने आप को बालों को बन बनाया हुआ है और हाई हील कैरी कर रखा है। कुल मिलाकर के उनका लुक जो है सुपर सेक्सी नजर आ रहा है। अब ऐसे में इनका ये लुक काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। फैंस सुपर एक्साइटेड हो गए हैं कृति सैनन के इस लुक को देख के। वहीं कुछ लोगों का उनका ये लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। जी हाँ, उनके फैंस तो उनकी इस वीडियो पर हार्ट इमोटिकॉन्स और फायर इमोटिकॉन्स शेयर करते हुए नजर आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कृति की तुलना उर्फी जावेद से कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि क्या ये उर्फी जावेद को टक्कर दे रही है। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि कितना बेकार ड्रेस है। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, कुछ ढंग का कपड़ा पहनो। वेल, आपको बता दें कि उनके फैंस ने तो उनकी इस वीडियो के नीचे फायर इमोटिकॉन्स और हार्ट इमोटिकॉन्स काफी ज्यादा शेयर किया है, उन्हें गॉर्जियस भी बताया है कॉमेंट करके। वेल, कृति की वर्क फ्रंट की बात करें तो आपको बता दें कि कृति जल्दी ही फिल्म शहजादा में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन भी नजर आने वाले हैं। बता दें कि यह फिल्म 17 फरवरी को रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है, जिसे दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। वेल, अब आप बताइए आपको कृति सैनन का ये वाला लुक, ये वाला अंदाज कैसा लगा, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कृति सैनन की फिल्म शहजादा को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह से तमाम चटपटी मसालेदार गॉसिप्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।